नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश फाइनेंस चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एकेंथ अमीबा। एकेंथ अमीबा क्या होता है? ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल लिविंग अमीबा है। अमीबा क्या होता है? ये एक सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि फ्रीली जो है एनवायरमेंट में अवेलेबल रहता है। लेकिन एनवायरमेंट में रहता है उसके साथ साथ ये पानी में और सॉयल में भी अवेलेबल रहता है। पूरी लाइफ लॉन्ग में ये काफी लोगों के कांटेक्ट में आता है, लेकिन कुछ ही लोग जो है इसके इन्फेक्शन से अफेक्ट होते हैं। ये काफी रेयर इन्फेक्शन जो है क्रिएट करता है, लेकिन जब भी ये इन्फेक्शन होता है तो काफी सीवियर इन्फेक्शन होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन इस सीवियरिटी और डिपेंडिंग अपॉन इसके जो डिसीज है, इसे तीन हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एकेंथ अमीबा केराटाइटिस। एकेंथ अमीबा केराटाइटिस क्या होता है? ये आंखों से रिलेटेड जो है इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि आंखें ब्लर्ड हो जाती है और परमानेंट जो है आई विजन जो है वो लॉस भी। दूसरा है ग्रेनुलोमेटस एमीबिक एंसेफेलाइटिस। इसमें क्या होता है? एंसेफेलाइटिस से आप समझ गए होंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें काफी अफेक्ट होती है, और ये उन लोगों में ज्यादा होती है जिनका इम्यून सिस्टम काफी जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। तीसरा है डायसेमिनेटेड इन्फेक्शन। इसमें जो पर्टिकुलर ऑर्गन है जैसे स्किन हो गया, साइनसेस हो गए या लंग्स हो गए, ये उसकी वजह से पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो इन्फेक्ट होते हैं, और ये भी उन लोगों में ज्यादा होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफी कॉम्प्रोमाइज रहता है या फिर काफी वीक रहता है। अब इसका देखते हैं कि डायग्नोसिस किस तरीके से होता है। तो एकेंथ अमीबा केराटाइटिस का जो डायग्नोसिस होता है, ये जो आई स्पेशलिस्ट रहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहते हैं, ये जो कुछ माइक्रोस्कोपी से एनालाइज करते हैं, आंखों का एनालिसिस करते हैं, तो इनिशियल स्टेज पे इसे कैच करना काफी आसान रहता है। जो दूसरा है ग्रेनुलोमस एमीबिक एंसेफेलाइटिस और डायसेमिनेटेड जो ये है इन्फेक्शन है, तो ये जो दोनों इन्फेक्शन है ये काफी समय के बाद जो है डायग्नोस हो पाते हैं। एक लेवल जब अचीव हो जाती है, एक सीवियर स्टेज हो जाती है, तब जाके इसका डायग्नोसिस होता है। तो इसमें क्या होता है, डायसेमिनेटेड इन्फेक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो ऑर्गन है जैसे लंग्स हो गया, साइनस हो गए या स्किन हो गए, तो वहां का जो है बायोप्सी वगैरह जो है वो लिया जाता है टेस्टिंग के लिए, तो उससे ये पता कर किया जाता है। और जीएई में इसमें इतना आसान नहीं रहता है डायग्नोसिस करना, तो इसमें स्कैनिंग होती है, जैसे कि हम सीटी स्कैन वगैरह बोलते हैं, तो ये स्कैनिंग होती है, बायोप्सी लिया जाता है या फिर स्पाइनल जो है टैप्स जो है वो लिए जाते हैं, तो इससे ये इसका डायग्नोसिस किया जाता है। अब इसके सिम्टम्स जो है वो देख लेते हैं। तो एकेंथ अमीबा केराटाइटिस के जो सिम्टम्स है, आंखों से रिलेटेड सिम्टम्स है, आंखों में सूजन हो जाती है, पेन हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, जो विजन है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाता है, ब्लर्ड विजन भी होता है, और लाइट से जो है वो काफी सेंसिटिविटी रहती है, और काफी और चीजों से भी जो है वो सेंसेशन रहता है, और आंसू जो है वो बार बार आते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में आंसू आते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो जीएई और डायसेमिनेटेड इन्फेक्शन है ये लगभग साथ में होते हैं। अगर किसी को डायसेमिनेटेड इन्फेक्शन हो जाता है, तो डायसेमिनेटेड इन्फेक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर स्किन हो गई या लंग्स हो गए, तो इसमें जो है वो इन्फेक्शन होता है, जो कट्स और वुंड्स की वजह से ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और लंग्स में इसलिए होता है कि हवा के द्वारा जो हम लोग इनहेल करते हैं, तो उसकी वजह से भी लंग्स वगैरह में होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जीएई यानी ग्रेनुलोमस एमीबिक एंसेफेलाइटिस, जो कि तीसरा पार्ट है एकेंथ अमीबा का। तो एकेंथ अमीबा में ये जो है तीसरा, ये दोनों कोरिलेट, दोनों एक साथ जो है होने के चांसेस रहते हैं जीएई और डायसेमिनेटेड इन्फेक्शन का। तो और जो जीएई है उसका जो है सिम्टम्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ब्रेन से रिलेटेड है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है व्यक्ति, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, फोकस नहीं हो पाता है, फीवर बार बार रहता है उसे, और मसल्स जो है वो इम्प्रॉपर जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऐसे काफी जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जीएई में। दोस्तों ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो ट्रीटमेंट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर जो है वो आपको हर एक कंडीशन देखने के बाद जो है आपको ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा काम है जस्ट एक सिंपल वीडियो के द्वारा आपको एक बेसिक कंडीशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना। जो ट्रीटमेंट है आप प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, ये लोग आपकी हर एक कंडीशन को जो है एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही आपको जो है प्रॉपर एक ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमारे जैसे वीडियो जो हम बनाते हैं उसमें कई लोग अगर जो ट्रीटमेंट भी रिकमेंड करते हैं, तो प्लीज आप उनके ट्रीटमेंट देख के अपने आपकी ट्रीटमेंट बिल्कुल घर में ना करें, ये रिस्की भी हो सकता है।
ये जो वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेसिस पे बना रहे हैं ताकि आपको कुछ एक जानकारी मिल सके। ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर से सलाह लेके और आपको पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट लेना है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।